आज आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी जानवर को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, सपेरों का राज क्या है और कैसे एक आदमी अपने एक टच से किसी भी शार्क को शांत कर सकता है। बेशक आप ये सब चीजें शायद पहले जानते हों, लेकिन यकीन मानिए आप इसे देखकर पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सन 1646 से और बात करते हैं एक आदमी जिसका नाम अथनासियस किर्चर था, जो कि जर्मनी में एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात दुनिया को बताई। उन्होंने सबसे पहली बार हिप्नोसिस की बात करी और चिकन्स को सम्मोहित किया। उन्होंने एक चाक उठाई और साथ में एक चिकन अपनी गोद में उठाया, उस चिकन के सामने एक लाइन उस चौक से धरती पर खींची और जिसके बाद हैरान कर देने वाले रूप से वो चिकन नीचे लेट गया। और अब चाहे आप उसके साथ कुछ भी कर लें, लेकिन वो वहां से नहीं उठेगा क्योंकि अब वो हिप्नोटाइज हो चुका था। मुझे सबसे पहले इस सवाल का जवाब चाहिए कि चिकन उस समय सोच क्या रहा था। तो चलिए मैं आपको भी इस सवाल का जवाब देता हूँ। किर्चर के अनुसार असल में किसी भी चिकन के सामने एक लाइन ड्रॉ करने से उसका पूरा ध्यान उस लाइन पर हो जाता है, जिससे उसके पास सोचने समझने या करने को कुछ नहीं बचता। लेकिन शर्त है कि चिकन को इस समय टेढ़ा करके जमीन पर लिटाया जाए। ऐसा ही कुछ अन्य जानवर जैसे कि मगरमच्छों के साथ भी किया जाता है, जो कि हाईली प्रोफेशनल लोग उनके साथ करते हैं। किसी भी मगरमच्छ को उल्टा करके जमीन पर लिटाते हैं और उनका ध्यान एक जगह केंद्रित करके उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में पैनिक इमोबिलिटी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ जानवर तो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट हो जाते हैं। आप इस बात को अच्छे से एक मेंढक की सहायता से समझ सकते हैं। किसी भी मेंढक को उल्टा करके अगर उसे ऊपर से दबाया जाए तो वो अपने एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है और हिलना डुलना बंद कर देता है। वो पूरी तरह से जिंदा और स्वस्थ होता है, लेकिन फिर भी डर के मारे हिलता या डुलता नहीं है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने कुछ और तरीकों से कई जानवरों पर यह ट्राई किया, जैसे कि खरगोश, जिसकी वीडियो रेडिट पर डाली गई। सबसे पहले सन 1954 में एक महिला किसी भी खरगोश को देखकर ही उसे हिप्नोटाइज कर सकती थी। लोग उसे जादूगर मान रहे थे। खरगोश को उल्टा पकड़कर सिर्फ उसे देखकर ही गहरी नींदों में सुला सकती थी। इस महिला को पूरी दुनिया में लेडी ऑफ रैबिट के नाम से जाना जाता था। अब जरा वीडियो को देखिए। यहाँ पर एक बिल्ली एक कबूतर का शिकार करके उसे खा रही है। अब आप ये वीडियो देखकर ये समझ रहे होंगे कि ये कबूतर मर चुका होगा, तभी तो ये बिल्ली उसे खा रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। कबूतर असल में सही समय का इंतजार कर रहा था बिल्ली के दूर हटने का। जैसे ही ये बिल्ली एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान उस कबूतर से हटाती है, ये तुरंत घायल अवस्था में भी अपना पूरा जोर लगाकर उड़ जाता है। आप इसे एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो ये काम करके अपने शिकारियों को धोखे में रखते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई कबूतर भी इतना अच्छा एक्टर हो सकता है? अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक हिरन अपने शिकारी का शिकार बन चुकी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये शिकारी अब आराम से इसकी चीरफाड़ करके इसे निपटाएगा, लेकिन जैसा कबूतर के साथ हुआ वैसा ही ये हिरन भी अपने शिकारी को धोखा दे देती है। वो सिर्फ ये दिखाती है कि वो मर चुकी है, लेकिन सही समय आते ही वो भी वहां से कट लेती है। अब जरा इस कमाल की वीडियो को देखिए। यहाँ पर एक आदमी आपको सड़क के बीच में सर्कस करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको इस सर्कस का भी राज बताने वाला हूँ। अब जरा इस आदमी से अपना ध्यान हटाकर इन इम्यूज पर लगाइए। ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाले ये पक्षी आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे और ऑस्ट्रिच की राह पर चलते हुए ये पक्षी भी 31 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पक्षी हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं। अगर इनको कुछ भी नया दिखता है, ये तुरंत उसके पास आकर उसके बारे में जानकारी जुटाने लग जाते हैं। कुछ जानवर अपने शिकार का शिकार करने से पहले उसके सामने अजीब सा डांस करते हैं, और कमाल की बात यह है कि वो ये डांस क्यों करते हैं इसका मतलब विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। जैसे कि ये आर्कटिक फॉक्स, ये अपने शिकार के आसपास अजीब सा खेल खेल रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका शिकार करना चाहता है। मेरे ख्याल से ये एक तरह का खेल है जिसे सिर्फ ये दोनों जानवर ही समझ सकते हैं, और जो इस खेल में जीतेगा वो हारने वाले का शिकार करेगा। मेरे ख्याल से इस खेल का कोई नियम भी नहीं होता। अब बात करते हैं इंसानों की। तो क्या इंसानों को भी सच में हिप्नोटाइज किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। जब इंसान अपना होश व हवास खो बैठते हैं, और कुछ खास लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि कुछ तांत्रिक बाबा जिन्होंने अपना धंधा ही इसे बना रखा है। चलिए अब वापस चलते हैं जानवरों की दुनिया में। तो मेरे ख्याल से आपने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो सपेरों को जरूर देखा होगा। ये सपेरे हाथ में बीन लेकर खतरनाक सांप के सामने उसे बजाते रहते हैं, और वो सांप उन्हें देखकर लगभग हिप्नोटाइज हो ही जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सांपों के तो कान ही नहीं होते जिससे वो इस बीन की धुन को सुन सकें? तो वो बीन फिर बजाई किसके लिए जाती है? जी हाँ, आप सही समझे, हम जैसे इंसानों को पागल बनाने के लिए।
सांप पूरी तरह से कुछ भी नहीं सुन सकते, वो सिर्फ अपनी गोल गोल छोटी छोटी आंखों से चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन एक बीन के सहारे ये कैसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो असल में इस काम को पंजी कहा जाता है। और जैसे ही एक सांप उसके सामने एक बीन को इस तरह से हिलते हुए देखता है, वो उसे अपने लिए खतरा मानता है और सिर्फ वो उस बीन से अपने ऊपर होने वाले हमले का इंतजार करता है। और सिर्फ यही तरीका है एक सांप को हिप्नोटाइज करने का। सपेरा उस पर हमला करेगा नहीं, सांप वहां से हिलेगा नहीं, हमको देखने में मजा आएगा, हम सपेरे को पैसे देकर अपने अपने घर चले जाएंगे और रात तक यही सोचते रहेंगे कि सांप आखिर हिप्नोटाइज हुआ कैसे। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं जो एक टाइगर कर सकता है। इसकी क्षमताएं तो और कमाल की हैं। इसकी दहाड़ को सुनकर बड़े बड़े शिकारी जानवर भी पैरालाइज हो जाते हैं। ये जानवर लिटरली कुछ भी खा सकता है, जी हाँ, एक चूहे से लेकर एक अच्छे भले इंसान तक। लेकिन इनके बारे में एक सच आज मैं आपको बता देता हूँ जो आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा। असल में ये टाइगर जितनी तेज आवाज में दहाड़ते हैं हम उसका 5% भी नहीं सुन पाते। जी हाँ, आपने सही सुना, इंसानी कानों की सुनने की क्षमता होती है और वो सिर्फ 20 डेसिबल तक की आवाज को ही सुन सकता है। लेकिन टाइगर 20 डेसिबल्स के नीचे की आवाज को भी अपने गले से बाहर निकाल सकते हैं और वो आवाज आपके घरों से होते हुए पूरे शहर में फैल सकती है, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं देगी। इस आवाज की फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी ये आवाज उतनी ही दूर जाएगी। अब कोई टाइगर रोता है तो उसकी आवाज 18 हर्ट्ज से भी नीचे चली जाती है और इसी बात का फायदा टाइगर्स अपने शिकार को पैरालाइज करने में उठाते हैं। इतनी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज इंसान तो नहीं लेकिन बहुत से जानवर सुन सकते हैं और जैसे ही वो किसी टाइगर की इस आवाज को सुनते हैं वो वहीं रुककर खुद को मरा हुआ दिखाने लगते हैं। बेशक शिकारी चाहे उनसे कई किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, जानवरों को फिर भी ये आवाज सुन ही जाती है। इस तरह की आवाजों को इंफ्रासाउंड्स कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं पानी के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पानी में क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ असल में एक शार्क को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक खबर मिली है कि ये शार्क अपने मुंह पर हाथ फिरवाना बहुत पसंद करती है। लेकिन क्या हर जानवर को इस तरह से अपने चेहरे पर हाथ फिरवाना पसंद होता है, तो शायद मैं इस बात का पता कभी ना लगा पाऊँ। लेकिन मैं यहाँ वापस बात कर रहा हूँ रीफ शार्क के बारे में। अगर आप इस जानवर की नाक के आसपास खुजली करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि ये शार्क हिप्नोटाइज हो जाएगी, और अगर आप ये स्क्रैचिंग करते रहेंगे तो इस बात की भी गारंटी है कि जल्दी ही ये शार्क बिल्कुल बेजान अवस्था में हो जाएगी। ये आपको इतनी हल्की लगेगी कि आप इसे अपने एक हाथ पर खड़ा भी कर सकते हैं। चलिए अब पानी में रहते हुए बात करते हैं कटल फिश के बारे में, जिन्हें समुद्र का डिस्को डांसर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी पार्टी करते हैं जिसमें कोई भी जानवर जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता, क्योंकि ये जानवर अपने शरीर से किसी भी सामने वाले जानवर को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ये पहले अपना शरीर दिखाकर किसी भी जानवर को हिप्नोटाइज करते हैं और जैसे ही वो जानवर इनका डांस पसंद करके नशे में चला जाता है तो वो इस पर तुरंत हमला करके उसे खाने में देर नहीं लगाते। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है कि ही तो अचूमी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक भी लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का जानवर कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।